नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रुझ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के धनगाई ग्राम में उपस्थित हूं। विक्रमगंज अनुमंडल में लोकतंत्र के महापर्व को शुरू होते ही, यानी लोकतंत्र के महापर्व के डंका जैसी बजा और उसका आवाज़ जब प्रत्याशियों के कान तक पहुँचा, तो सारे प्रत्याशी अपने अपने नॉमिनेशन कराने के लिए अपने गाँव से निकल पड़े। और अभी आप देखिए कि मेरे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, जो कि गले में फूलों के हार पहने हुए हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा, कुछ सुनने का प्रयास करूंगा, कुछ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। और यहां पर बाकी कुछ इनके साथ में जनता यहां पर जुड़े हुए हैं, ये जनता नहीं बल्कि इन्हीं लोग चाहेंगे कि ये माला जो है ये खुशियों का खुशबू देगा, क्योंकि जनता के हाथ में पहली बार, यानी बिहार में पहली बार जनता के हाथ में अधिकार मिला है, वो भी सभापति चुनने का। पहले जो सभापति का चुनाव होता था उसमें सभापति वार्ड के माध्यम से बनाया जाता था, परंतु अब जनता जो है स्वयं सभापति को चुनेंगे और अपने मन लायक सभापति उस कुर्सी पर बैठाएंगे जिस कुर्सी पर सभापति को बैठना चाहिए। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं धनगाई ग्राम से, जिन्होंने अभी नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं। मैं इनसे सबसे पहले पर्चे जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है, अपना पर्चे दीजिए। मैं विकास कुमार राणा जी, ग्राम धनगाई, मुख्य पार्षद हेतु नामांकन किए हैं जी, और आज सब लोग हम नामांकन करके और यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, पहले अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिए। इंटर। और एक बात और भी बताइए राणा जी, अभी आपने नॉमिनेशन कराया वो भी सभापति पद के लिए, और इससे पहले आपने कभी समाज की सेवा के लिए इस महफिल में आए थे कि नहीं, इस जन सैलाब में आए थे कि नहीं? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो हम कभी रहे नहीं जी, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया गया है, किए हैं, हम लोग रहे हैं समाज में, प्रत्यक्ष रूप से कभी राजनीति में हम रहे नहीं। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार प्रत्याशी के रूप में इस बार हम नामांकन किए हैं। ये बताइए मुझे कि आपके मन में ये कैसे विचार आ गया कि हम सभापति के चुनाव लड़ें? चूँकि सभापति का इस बार चुनाव डायरेक्ट आम जनता कर रही है जी, तो इससे हमें लगा कि हमें स्वच्छ छवि के नेता को भी मौका मिल सकता है जी, जिससे अपने शहर, अपने गांव, कस्बे सबका विकास अपने तरीके से किया जा सकता है जी। जी, इतना वीडियो क्लिक कीजिए। पहले नॉर्मली जनसंपर्क था, अब नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन के बाद अब तेज रफ्तार से जितने भी सभापति के उम्मीदवार हैं वो लग जाएंगे, जितने भी वार्ड के उम्मीदवार हैं वो लग जाएंगे, जितने भी उपसभापति के उम्मीदवार हैं वो तेज रफ्तार के साथ अब जनसंपर्क करेंगे, क्योंकि जनसंपर्क के तेज रफ्तार इसलिए किया जाएगा कि समय कम है और चुनाव नज़दीक आ चुका है, और सारे जितने भी इस नगर के जनता हैं उनसे डोर टू डोर, घर टू घर जा करके ये लोग मिलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे और कैसा विकास चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी और लूँगा कि सबसे पहले अगर जनता आपके माथे पर जीत के ताज पहना रही है तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? सबसे प्रथम प्राथमिकता ये है कि जिस तरह स्मार्ट शहर, इस तरह स्मार्ट गाँव, हमारा भी गाँव ही कस्बा ही एक तरह से है, नगर परिषद में हम जरूर हैं लेकिन हमारा गांव आज भी गांव की तरह है, इसको स्मार्ट सिटी की तरह हमको ही बनाना है इसे जी। जी, यानी विश्वास है कि जनता आपको
जिताएंगे। बिल्कुल, और आप जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जनता के हाथ किसके साथ, ठीक, जब ईवीएम के बटन जनता दबाएंगे और उसके बाद जब ईवीएम के पिटारा खुलेगा तब देखा जाएगा कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाता है ये अपने विक्रमगंज के नगर के राज। तो आज तक के लिए इतना ही, और फिर मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं गोविंद कुमार के साथ अक्षय भजन जय हिंद जय भारत।